कैसे स्माइल कर रही है अभी से, तेरा मेरा करके पराया कर दिया अपने बेटे को पराया। और ये खुद ही एंटरटेनमेंट कर लेते हैं थोड़ा। ये टूंटी है गर्म पानी की, ये है ठंडे पानी की। अब ठंडे वाली को चलाएं तो ठंडा पानी आता है, गर्म वाली को चलाएं तो गर्म पानी आता है। ए, लड़के ने तोड़ा ये, लड़कियों ध्यान से चलाया करो स्कूटी यार। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आज का ये नया व्लॉग है और आज का व्लॉग है मैं जाऊंगा घर पे और यहाँ पे ये आर्मी का एरिया, ये जो पिलर्स लगे हैं इनके बाद आर्मी का एरिया है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, उधर से पूरा जयपुर रोड से लेकर इधर, ये मैं करनी नगर में हूँ लालगढ़, तो इधर से ऐसे लेके तो इधर रहती है आर्मी टिशुम टिशुम जो हमारी रक्षा करती है एनिमीज से, हमको बचाती है। तो ऑलवेज लव यू इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का हर एक इंसान को रिस्पेक्ट, दिल से प्यार। और अब मैं जाऊंगा घर पे, और घर पे जाने के लिए मेरे को थोड़ा मेरा बाइक के ऊपर बैग वगैरह टाई करना होगा। कल मैंने दो बैग तो घर पे भेज दिए, और अब वो थोड़ा टाइम है जयपुर या कहीं और जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे वो सामान लेके जाना है। और मुसाफिर हैं हम मैं बाइक का इंडिकेटर टूट गया यार, ए, लड़के ने तोड़ा ये, लड़कियों ध्यान से चलाया करो स्कूटी यार। ये बाइक लड़कों के दिलों पे राज करती है, कोई भी हो चाहे छोटी बड़ी। और अब इसको मैं थोड़ा इधर साइड वाले बैठूंगा, ये मेरा लैपटॉप वगैरह वाला, तो वो लगा के फिर जाएंगे घर पे। हाँ अभी इससे टाइम लग जाएगा, मैं अभी नहाऊंगा यार, अभी तक तो मैं उठ के आया हूँ, ऊपर से नहाया भी नहीं हूँ आज। आज इतने को शानदार नहीं हुआ, बाल सुबह को उठते ना तब इतने शानदार नहीं होते, रात को उठेंगे तभी इतने मस्त शानदार बनेंगे झक्कास। ठीक है, और अंदर चलता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं घर पे। हाँ ये बंजी कोड है, तो अभी बैग वगैरह तो कुछ है नहीं, एक पिट्ठू बैग है वो तो मैं शोल्डर पे लेके जाऊंगा। तो ये भाई इसका काम नहीं है, अभी काम नहीं है, वैसे तो बहुत काम है, और जिन चीज़ों का अभी काम नहीं है वो इस बैग में जा रहे हैं। भाई तू भी जा। सबकी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, किसी की लाइफ में अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, किसी की लाइफ में बुरे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरी लाइफ में कमीने बेस्ट फ्रेंड है, कमीने बेस्ट फ्रेंड, और मेरी उसी कमीने बेस्ट फ्रेंड की स्पेशल डिमांड पर ये वाली वीडियो। I am in a bathroom and I am going to take bath. ये टूंटी है गर्म पानी की, ये है ठंडे पानी की। अब ठंडे वाली को चलाएं तो ठंडा पानी आता है, गर्म वाली को चलाएं तो गर्म पानी आता है। और अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम दोनों एक साथ चलाएंगे। सर्दियों में नहाने के भी अलग मजे हैं। घर से निकला था तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया था, मन नहीं था व्लॉग वगैरह मतलब कुछ भी ऐसे बनाने का, शूट करने का। तो अभी घर से निकल गया, बाइक में पेट्रोल फुल करवाया है, और अब जा रहा हूँ मैं घर पे। घर से निकला हूँ और घर पर जा रहा हूँ, देखो क्या बात है, घर से निकलो और घर पर ही जाओ, हमेशा यही रखो। ओह खुशी भी है घर जाने की, और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि मैं घर से आया हूँ। मिक्स फीलिंग है। ठीक है अब चलते हैं घर की ओर। एक्शन गेम को मैं ढंग से चार्ज नहीं कर पाया था, तो वो अभी बैग के अंदर है पीछे और वो चार्ज हो रहा है, तो वो चार्ज कर रहे हैं। और अभी क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था, तो उसकी वजह से सुसु टाइम हो गया था, मैं अभी आगे सुसु गया। हेलो ओ भाई सुनो सुनो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, देखा करो यार पूरी वीडियो, आगे पूरी वीडियो देख लेना। ये पीछे इतनी दूर है, लाइट के खंभे इतनी ज़्यादा दूर है, और इनकी जो लाइट पास हो रही है, जो करंट पास हो रहा है, उसकी मेरे को आवाज़ यहाँ तक आ रही है, इतनी ज़्यादा ग्र 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 जैसे मेरे को साफ़ सुनाई दे रही है। इसमें तो नहीं सुनाई देगी, इन मेरे को तो बिल्कुल साफ़ सुनाई दे रही है।
क्या भाई, कितना करंट होगा ना इनमें, कोई हाथ लगा के देखा किसी ने, लगाना भी मत रे, राख बन जाओगे राख। सत्तासर पहुंच गया और इधर वाली साइड 60 किलोमीटर साउथ में है बीकानेर और नॉर्थ में है 60 किलोमीटर गढ़साना, बिल्कुल सेंटर में हो यहाँ से। यार आज मज़ा नहीं आया बाइक चला के, अब तक तो नहीं आया, आज की लाइक तो बहुत ही बोरिंग है, कुछ था ही नहीं मस्ती के लिए यार, कोई मतलब ऐसा कुछ सीन वगैरह नहीं हुआ। और ये खुद ही एंटरटेनमेंट कर लेते हैं थोड़ा, ये डिंग डिंगा टिक डिंग डिंगा टिक डिंग डिंगा टिक। और आज अब तक मैंने मतलब जितना भी बाइक चलाया उसमें सबसे बोरिंग राइड अब तक ये 60 किलोमीटर है। इसका एक रीज़न ये भी है कि मैं घर से जैसे आया तो मैं थोड़ा सैड था, आज वहाँ से आ रहा था तो वहाँ से कोई खुशी नहीं थी यार, वहाँ से जब चला मैं तब भी मेरे को थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी और अब थोड़ी थोड़ी खुशी होने लगी है क्योंकि जैसे जैसे घर पास आ रहा है, पहले जैसे आधे रास्ते तक तो उधर वाली साइड जैसे 60 किलोमीटर थोड़ा ये था यार, एक आधा दिन और मिल जा, रुक जा, अभी जानो पड़ी और ऐसे करके चीज़ें आ रही थी मन के अंदर। लेकिन अब क्या है कि अब इधर वाली साइड है, अब इधर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियाँ वहाँ पे भी थी, वहाँ से मतलब निकला थोड़ा मामा देखा तो थोड़ा इमोशनल हो गया भाई से मिलके, वाह कोई वो लाइब्रेरी चला गया था मेरे आने से थोड़ी देर पहले। और अब घर चलते हैं भाई, दिस इज द लेजेंड। ओ ये ना इसमें ये वो लगाया हुआ है ट्राइपॉड है तो ये एकदम गन की तरह दिख रहा है, जैसे कोई बंदूक लगा रखी हो। और ट्रैक्टर निकल गए तो रास्ते के अंदर मैं एक होटल पे रुका तो वहाँ पे एक जो होटल वाला था वो एकदम पास आके चेक करके गया, उसने भी यही बोला कि यार कोई वैसे बंदूक वगैरह क्या, मैं नहीं 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 ट्राइपॉड है ट्राइपॉड, ठीक है। अभी यहाँ से ना थोड़ा सा सर नहर आएगी यहाँ पे थोड़ा सा आगे इंदिरा गांधी कैनाल, तो वो बहुत बड़ी है और उससे हमारे जो खेत में पानी लगता है अनूपगढ़ शाखा वो उसी की ब्रांच है, तो चलो देखते हैं। अब हेलमेट पे कैमरा लगाता हूँ और थोड़ा सा इधर का शूट करके देखते हैं। यार माइक के बिना ना मज़ा नहीं आता, मेरे को खुद को मज़ा नहीं आता बनाने का, तो माइक भगवान करे जल्दी सेट हो जाए, वरना मेरे को लगता है कैमरा माइक हेलमेट सब दोबारा से लाना पड़ेगा, इसके अंदर अगर सेट नहीं हुआ तो हो जाए, पैसे बहुत बचेंगे वरना बहुत महंगा पड़ने वाला है ये सौदा। ट्रिप देखो आगे, दिस इज द इंदिरा गांधी कैनाल। अभी तो क्या है कि खाली है, वरना ये जहाँ पे ये दूब लगी हुई दिख रही है ना यहाँ तक ये इसमें पानी होता है, और बहुत बड़ी नहर है यार, शायद कैमरे के अंदर इतनी नहीं आ रही होगा। और ये भारतमाला रोड है, ये भारतमाला पहले इसका वो वाला पुल है ना, वो वाला सामने जो पुल दिखाई दे रहा है वहाँ से आना जाना था सबका, और ये वाला पुल, ये जो पुल है ये अभी बना है, तो मैं स्पेशल इसी के लिए रुका यहाँ पे, जब भी आता हूँ मैं रुकता हूँ। ये है भाई राजस्थान, हेलमेट है, कैमरा लगा हुआ है, इसका वो चल रही है रिकॉर्डिंग। और थोड़ी देर पहले रुका यहाँ से कोई 10 किलोमीटर पहले और मैं दोबारा रुक गया, और मेरे को ये दीवार, यार टाइट पैंट इतनी ज़्यादा टाइट है, ये बाइक के लिए बाइक पे होता हूँ तो पहनता हूँ ताकि अगर बाई चांस कहीं थोड़ा बहुत कुछ लगे तो खुद के ना लगे और ठंड भी ना लगे। काफ़ी जाडी पैंट है, इसके नीचे मैंने एक लोअर और पहन रखा है, तो दो दो पहनने पड़ते हैं भाई सेफ्टी रीजन से, अभी ट्रैक पैंट तो है नहीं। और अब घर की ओर थोड़ा थोड़ा ऐसा मूड हैप्पी हैप्पी होने लगा है, ऐसे है ना कि घर पे मम्मा वेट कर रहे हैं और घर वाले वेट कर रहे हैं, और मेरे पापा को बहुत डर लगता है जब मैं बाइक पे होता हूँ, तो उनका जब तक मैं घर नहीं पहुँचूँगा उनको यही रहेगा धक 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 कब घर पे आएगा, और अगर मैं थोड़ा सा लेट हुआ तो फ़ोन भी फोन, अरे कितने आयो कौन इस टाइम है, तो मैं जा रहा हूँ घर पे अगर मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे भी थोड़ी चुल मची है।
आज तो मैं बहुत रुक रहा हूँ, मैं मतलब पहले 60 किलोमीटर के अंदर एक बार रुका, और इन 60 किलोमीटर के अंदर मैं 3 बार तो रुक चुका हूँ, और मैं देखो आगे तो नहीं रुकने वाला। यहाँ पे ये रोजड़ी धाम आता है बीच में गिरसाना से 20 किलोमीटर पहले, तो मैं इधर हनुमान जी सोचा इधर धोख लगा लूँ, तो मैं बैग उठा लेता हूँ, बैग भूल गया, शूज़ पड़े हैं, हेलमेट लेता हूँ, और इधर धोख लगाने के बाद फिर आगे चलते हैं घर पर। अब मेरी खुशियाँ से थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रहा हूँ, और यहाँ पे हेलमेट रख देते हैं, उसके बाद धोख लगाते हैं। तो यार मंदिर तो अंदर से काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, मैं इधर से दिखाता हूँ, ये शायद वो लंगर वगैरह रोटी वगैरह के लिए होगा, इधर से खाली जगह है, कमरे वगैरह बनाए हुए हैं। तो भैया को मैंने मेरे बैग के लिए बोला और बाइक के लिए बोला कि आप थोड़ा ध्यान रख लो, तो मैं इधर जाके आ रहा हूँ। रोहिणी माता जी का मंदिर बता रहे हैं, मैं इधर पहली बार आया, वहाँ तक तो बाहर तक तो आते हैं हम, लेकिन इधर वाली साइड नहीं आया मैं कभी, तो इधर भी अच्छा। दिस इज द रोजड़ी धाम। तो इनको देखो, ये बिल्कुल ये मूर्ति है, लेकिन ये बिल्कुल रियल लग रही थी, मैं वहाँ से आया, मेरे को लगा ये यहाँ पे कोई संत महाराज बैठे हैं और मेरे को ही देख रहे हैं, तो इसकी वजह से ना पैर में लग रहा है, कभी आदत नहीं है ना ऐसे चलने की। तो अहिनी माता जी वाला मंदिर है ये, इधर वाली साइड है, ये बंद है, अंदर गेट पे लॉक है। तो चलो भाई वापस चले, घर पे वेट कर रहे हैं, घर वालों का बोला था ना फ़ोन, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, और मेरे पापा के अभी फ़ोन आया 5 मिनट पहले ही, मैं इधर ही था, तो मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो भाई साहब जल्दी जल्दी चलो। शेर नहीं, सॉरी ऐसे कुछ नहीं, ये वाली है ना शेर की आवाज, हाँ ऐसे कौन करता है, तो शायद मैंने ही किया ऐसे। ठीक है भाई बाय। तो ब्रेक पे ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन अच्छा है, रुकना चाहिए, मैं पहली बार इतनी 120 किलोमीटर की राइड में 3 और 4 बार रुका हूँ, वरना तो मैं कभी रुकता ही नहीं, शूज़ पहनने का टाइम आ गया भाई। इट्स बहुत हार्ड है, एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से शूज पहनो, अब नहीं रुकेंगे, अब सीधा घर पे। ये इधर पुलिस वाली जीप खड़ी है, और जिसके सामने बिल्कुल ये पुलिस चौकी है, और जिस साइड ये रोजड़ी लिखा हुआ है, इस साइड ना आगे जाके एक झील आती है, उसका नाम तो नहीं है पता है मेरे को, मैं गया हुआ हूँ एक बार, अच्छी झील है वैसे, तो बारिश का पानी वगैरह इकट्ठा होता है वहाँ पे। तो अभी तो टाइम नहीं, अभी तो मेरे को चिल मच रही है घर जाने की, तो वापस अब कभी जैसे अब जयपुर जाऊँगा या कहीं जाऊँगा या बीकानेर, कभी दोबारा गेड़ा लगा या स्पेशल आगे इधर मैं आके जाऊँगा, बहुत ही ग्रीनरी वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है भाई, घर वालों के साथ आएंगे, पैसे नहीं लगेंगे अपने, अगर ट्राई करेंगे अगर आएंगे तो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ जल्दी से। फाइनली ऑलमोस्ट पहुँच गया, घर से सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ तक ना मैं रनिंग करने आता था पहले, पहले स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट किया मैंने वॉक से आधी दूर, फिर यहाँ तक आने लग गया, और फिर यहाँ तक रनिंग कर आता, रनिंग करता हुआ था और जाता आराम से था। और ये यहाँ पे मैं कम से कम 3 महीने आया हूँ लगातार, तो बड़ी खुशी होती है। मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं रनिंग करता था यहाँ से। ये बाइक को थोड़ा साइड में खड़ा किया है ताकि ये मतलब कहीं बीच में सड़क के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे को। और मेरे को कैमरा की बैटरी डाउन है, मेरे को अभी बैटरी चेंज करनी है, मैं बैटरी चेंज करता हूँ और उसके बाद हेलमेट पे लगाते हैं और फिर चलते हैं घर पे। और अब यहाँ से मेरे घर का रास्ता बहुत ही पास है, मैं दिखाता हूँ। यो बहुत हार्ड काम है यार ये, मोटो व्लॉगिंग तो बहुत मुश्किल है, व्लॉगिंग इजी लग रहा है मेरे को इससे, पता नहीं यार क्या चक्कर है, पता नहीं मेरे से शायद मेरे को ही नहीं आता कुछ। अब आगे चलते हैं, अब हो गया ये रेडी। यहाँ तक ना मैं ये बाइक पे आता, पहले पैदल आता था रनिंग करने, बाइक पे तो क्या आता था, बाइक पे तो आ जाऊँ।
और अब ये मेरा घर की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल ये मेरे घर का रास्ता है। ये अनूपगढ़ शाखा कैनाल, ये बिल्कुल हमारे खेत के पास है। ये यहाँ से हमारा खेत चालू हो जाएगा। ये थोड़ा सा उधर से उधर लगे शायद दिख रहा हूँ, आगे से वहाँ से फिर हमारा खेत चालू हो जाएगा, हमारा घर भी दिखेगा। कितनी खुशी होती है ऐसे घर पे ऐसे पहुँचने वाला। ये हमारा मोटे वाला खेत है और वो उधर हमारा घर, वो रहा मेरा घर, तो शायद इसके अंदर आ नहीं रहा है, दिख ही रहेगा। और वो उधर मेरे चाचा जोरों के घर है, वो भी उधर पेड़ आ गए इनके बीच में। फाइनली थोड़ा सा दूर है घर से और खुशी एंड लेवल, पहुंचने वाले अब घर पे चलते हैं जल्दी से। आप बिल्कुल घर पे पहुंचने वाला हूँ और घर से फ़ोन आने हो गए चालू, तो भाई हम भी हो जाते हैं चालू घर पे जाने के लिए। हमारा कोई स्वागत करने नहीं आया? ओहो मम्मी। ओह मम्मी, मैं घर पे, ये मैं इतने टाइम बाद घर पे आया हूँ। और मेरी मम्मी पता है क्या कह रही है, पापा एक पंप लेके आए, तो मैंने बोला कि एक पंप तो मेरा भी आ गया बाइक के अंदर हवा भरने वाला। तो मेरी मम्मी बोलती है वो तो तेरा है, ये हमारा है, मतलब अभी से देखो तेरा मेरा होने लग गया। मम्मी कैसे स्माइल कर रही है, अभी से तेरा मेरा करके पराया कर दिया अपने बेटे को पराया। पहले तो वेट कर रहे थे पूरा सुबह से और अब पराया भी कर दिया। हेलो ओ भाई, सुनो सुनो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, देखा करो यार पूरी वीडियो, आगे पूरी वीडियो देख लेना। आ करके जिम ठूस ले, ठूस ले। बोल कैसे हो? फिर मैं रितेश, विशांत मेरा भतीजा, ये मेरे साथ भी पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं डाइट पे हूँ, अभी ऐप्स वगैरह बनाने हैं थोड़े। सोचा था कि व्लॉग अब एडिट कर दूंगा तो कल सुबह तक वो आ जाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे को बहुत ज़्यादा तकड़ी नींद आ रही है। तो ये यहीं पे पड़े हैं लैपटॉप वगैरह, ये मैं फोन में ऐसे सो रहा हूँ और कल सुबह उठ के व्लॉग वगैरह एडिट करूँगा। दो व्लॉग हैं, दोनों का एडिट करूँगा और फिर दोनों को एक साथ अपलोड करके शेड्यूल कर दूँगा। और एक तो शायद कल शाम 2 बजे तक अगर कोशिश करता हूँ, वरना फिर परसों और मंडे को आएगा, और उससे अगला है वो वेडनेसडे को आ जाएगा। हाँ वेडनेसडे को आ जाएगा। और ठीक है भाई, गुड नाइट, सोते अब। मैं बिल्कुल नहीं बची मेरे में हिम्मत। गुड नाइट, टेक केयर।